ब्रो, अरे अरे भाई साहब, आइए 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 भाई, एक मस्त सा करारा सा फोन दिखा दे मेरे को। अरे भाई साहब, आपको एकदम जबरदस्त फोन दिखाता हूँ, ये बताए कुछ ठंडा वगैरह लाऊं आपके लिए? अरे नहीं, ठंडा वंडा छोड़, बस एक फोन ले यार, मस्त सा एकदम गजब सा फोन दे दे। अरे आपको ऐसा जबरदस्त फोन दिखाता हूँ भाई साहब, खुश हो जाओगे आप भी। देखिए भाई साहब, ये बिल्कुल नया पीस है, आज ही मार्केट में आए हैं, ये देखिए। और ये वाला तो, इसका तो कैमरा ही बहुत जबरदस्त है भाई साहब, आप देख के खुश हो जाओगे। ये वाला तो भाई साहब आप आंख बंद करके ले लीजिए, मार्केट में सबसे ज्यादा यही बिक रहा है। अरे पर ये तो चाइनीज है। अरे भाई साहब ले लीजिए ना, सब चलता है, वैसे भी ओरिजिनल जैसा ही तो लगता है। आंख बंद करके ले लो भाई साहब, बहुत बढ़िया फोन है ये। ये तो आपको पता है और मुझे पता है कि ये फोन चाइनीज है, बाहर थोड़ी ना किसी को पता है कि आप चाइनीज फोन चला रहे हो। चलाओ चलाओ। अच्छा कितने का है ये फोन? अरे भाई साहब ये है आपका, मैं देख के बताता हूँ, रुको, 10,000 रुपए का भाई साहब आपका। और आपको कोई भी परेशानी हो ना तो हम बैठे हैं ना, आप हमारे पास आ जाइए बेझिझक। ये लो भैया। थैंक यू सर, थैंक यू। अरे भाई साहब ये गलती से शायद आपने मुझे नकली नोट दे दिए। अच्छा मजाक करते हैं आप भी। अरे भाई चलेगा यार, वैसे भी दिखता तो ओरिजिनल जैसा ही है ना, और ये आपको पता है कि नकली है, मुझे पता है कि नकली है, लेकिन बाहर तो किसी को नहीं पता ना कि मैंने आपको नकली नोट दिए हैं। चलेगा चलेगा, रखो रखो। अरे भाई साहब ये कैसी कमाल की बात कर रहे हैं आप, असली पैसे दे दीजिए, असली मोबाइल दे रहा हूँ मैं तो आपको ना, ये चलता है ये मोबाइल तो। आप भी बहुत अच्छा मजाक कर लेते हैं। अरे बहन जी आप एक बार कोशिश तो करो, चल जाएगा। अब बिल बना दो, बिल बनाओ यार इसका तुम। अरे भाई साहब ये कैसी कमाल की बात कर रहे हैं यार, कहां से मैं आपको भैंजी नजर आ रहा हूँ, इतनी देर हो गई, मैं तो आपसे शराबत से बात कर रहा हूँ और आप तो अपनी हद ही पार करती, मुझे भैंजी बोल रहे हो आप तो। आप देखिए अपनी हद में रह के मुझसे बात कीजिए, वरना ठीक नहीं होगा। वही तो मैं भी कह रहा हूँ भाई, अब ना तो ये चाइनीज सामान चलेगा और ना ही अपनी लाइन क्रॉस करने वाले, जिसने भी अपनी हदें पार की ना उसके लिए अच्छा नहीं होगा। माफ करना भाई साहब, मुझसे गलती हो गई, ये लीजिए। अगर तू सांप है तो हमारे पास भी बीन है, अब तक रुलाया है पाकिस्तान को, अब तेरी बारी चीन है। हमारे पैसे से हमारे ऊपर ही बंदूक ताने, सामान बेचने के लिए तू आज भी हमारे अधीन है। माना तेरे पास होगा कुछ दोगले लोगों का सपोर्ट, पर हमारे पास भी एक तरफ राम तो दूसरी तरफ रहीम है। जय हिंद, वंदे मातरम।